हिंदू धर्म में नागपंचमी का पर्व बनाने की परंपरा सदियों से चली आई है। नागपंचमी के दिन शिव मंदिर के साथ नाग मंदिरों में भीड़ देखने को मिलती है, ऐसा क्यों पंडित जी से जानते हैं? नागपंचमी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी को मनाई जाती है और इस बार नागपंचमी 9 अगस्त 2024 को मनाई जाएगी तथा नागपंचमी का विशेष पूजन नागपंचमी के दिन भगवान शिव शंकर तथा भगवान नागराज का कहा गया है। भगवान नागराज का पूजन से करने से तथा उनका व्रत करने से, नागपंचमी का व्रत करने से काल सर्प दोष से उसे मुक्ति की प्राप्ति होती है तथा भगवान नागराज प्रसन्न होते हैं। नागपंचमी के दिन कहीं जन अपने घर में नाग देवता का पूजन करते हैं और आमतौर पर तो देखा जाता है कि व्यक्ति नाग को निकलने पर मारने लगते हैं, उससे डरने लगते हैं, परंतु नागपंचमी पर विशेष नागों को ढूंढा जाता है, उनका पूजन किया जाता है। पहले के समय था कि व्यक्ति आता था, नाग को लाता था और दूध घर घर उसे दूध पिलाया जाता था, उसका पूजन किया जाता था, परंतु आज के समय में व्यक्ति को नाग आदि से इतना भय लगता है कि उसे देखना भी पसंद नहीं करते तथा वो कानूनी अपराध भी कहा गया है। परंतु फिर भी हमारे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान नागराज का बड़ा मुख्य स्थान कहा गया है, क्योंकि भगवान शिव शंकर जी महाराज जो भूत भावन है उन्होंने अपने गले में डाल रखा है तथा उनको उच्च स्थान दिया है, हृदय के पास दिया है, उसी प्रकार भगवान नागराज भी पूजनीय हो गए और भगवान नागराज की का व्रत करने से, उनका पूजन करने से काल सर्प दोष की से मुक्ति की प्राप्ति होती है। किसी को स्वप्न में स्वप्न सर्प दिखाई देते हो तो उसे नागराज के का पूजन करना चाहिए अथवा यदि किसी को सर्पों का भय हो तो उसे नागराज का पूजन करना चाहिए नागपंचमी के दिन और उनका व्रत करना चाहिए, जिससे काल सर्प दोष से मुक्ति की प्राप्ति होती है तथा इससे पितृदोष भी शांत होते हैं तथा स्त्रियाँ अपने भाई तथा अपने परिवार की रक्षा के लिए भगवान नागराज को प्रसन्न करने हेतु उनको भोग और नैवेद्य देते हैं।